सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सैमसंग के ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जानकारी जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट के साथ आता है। तो आप लोग बोलते हैं कि भाई आपको ये न्यूज़ कहां से मिल जाती है, तो अब अगर आप गूगल में जाकर सर्च की जगह सैमसंग स्नैपड्रैगन 710 तो आजकल जो लेटेस्ट आर्टिकल है वो भी ट्रस्टेड वेबसाइट से वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो एक बार आप जाकर सर्च कीजिए, उसके बाद ही आप जाकर कमेंट कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को सैमसंग के ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि जनवरी में लॉन्च होने वाला है, और साथ में ये फोन आएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट के साथ। ये सैमसंग का पहला स्मार्टफोन होगा जो कि क्वालकॉम के चिपसेट के साथ आएगा। जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन एक्सपेक्ट होने वाला है वो थोड़ा लंबा होगा। अगर हम लोग बात करें तो 19.5:9 का यहाँ पर आपको स्क्रीन एक्सपेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर यही एक्सपेक्ट की बात करें तो ये एक्सपेक्ट आपको ज़्यादातर वाटर ड्रॉप नोच के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो क्या पता सैमसंग हमें वाटर ड्रॉप नोच प्रोवाइड कर दे। अगर हम लोग बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट होगा, 3000 mAh की बैटरी मिलेगी और बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। जी हाँ, सैमसंग ने रिसेंटली में लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी A7, जिसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। तो जनवरी में भी एक ऐसा स्मार्टफोन आएगा जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ऊपर में मॉडल नंबर देख सकते हैं जो कि SMG8870। तो इसका मतलब ये कोई ए सीरीज का स्मार्टफोन जहाँ तक लग रहा है मुझे, हो सकता है, क्योंकि ये मॉडल नंबर ज़्यादातर आपको सैमसंग के ए सीरीज में ही देखने को मिलता है। और ये बात आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि सैमसंग अब अपना खुद का एग्जोनस के चिपसेट को छोड़कर क्वालकॉम के चिपसेट मिड रेंज स्मार्टफोन में हमें दे रहा है। हालांकि सैमसंग का जो फ्लैगशिप चिपसेट है एग्जोनस का 98 से स्टार्टिंग होता है, वो चिपसेट कमाल का चिपसेट है, लेकिन सैमसंग कहीं ना कहीं मिड रेंज चिपसेट हर साल डेवलप नहीं करते। आप जो जानते ही है कि लगभग 2016 से वो एक ही चिपसेट यूज़ कर रहा था जो कि था क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन, सॉरी, जो कि था एग्जोनस का 7870, जो कि बहुत पुराना चिपसेट था। तो सैमसंग अच्छा एक मूव किया है जो कि सैमसंग अब हमें क्वालकॉम का चिपसेट दे रहा है। आप लोगों ने रिसेंटली में सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन में देखा ही था, चाहे वो जे सीरीज हो चाहे वो ए सीरीज हो। तब देखते हैं कि सैमसंग अपना ये नया स्मार्टफोन में क्या कमाल कर पाता है। अब ये इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के सामने आई है कि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा और क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो सैमसंग ने ए सीरीज में अभी एक मंथ में प्राइजिंग काफ़ी अच्छा रखेंगे, क्योंकि A7 की अगर हम लोग प्राइजिंग की बात करें तो 24,000 रुपीज़ रखे गए, जो कि एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, उसमें आपको कोई डाउट दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। तो अब देखते हैं 2019 में सैमसंग क्या करता है, और सैमसंग का ये स्मार्टफोन जो कि अभी निकल के सामने आया है क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 710 के साथ और वाटर ड्रॉप नोच, ये एक हाईलाइट फीचर सैमसंग की तरफ से हमें, मुझे लग रहा है कि होने वाला है, क्योंकि वाटर ड्रॉप नोच सैमसंग के स्मार्टफोन में आप इमेजिन करके देख सकते हैं। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं पूरा प्रूफ दूंगा कि हाँ भाई सैमसंग आप वाटर ड्रॉप नोच में काम कर रहे हैं, क्योंकि सैमसंग नॉर्मल नोच नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके एप्पल के साथ थोड़ा पंगा है, तो नॉर्मल नोच तो देगा नहीं, लेकिन वाटर ड्रॉप नोच वो डेफिनेटली दे सकता है। तो देखते हैं ये नया स्मार्टफोन क्या नया कमाल कर पाता है। मुझे लग रहा है कि ये A10 हो सकता है जो कि 2019 में लॉन्च होने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ जानकारी लेना है ना भाई, कहाँ से आता है ये न्यूज़, आप जाके जो इनके सोर्सेस है, जो ये लोग न्यूज़ चलाते हैं, उनके वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो लोग जब भी कोई न्यू पोस्ट अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जाके आप गूगल में सर्च करते रहिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा कि हाँ भाई सैमसंग क्या नया कर रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के पहुँच जाए। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।